कहानी शुरू होती है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक डिजर्ट में काम कर रहे थे और इनका काम है यहाँ से तेल निकालना। पर इन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ मौजूद ही नहीं है, इसलिए ये लोग एक प्लेन में बैठ के वापस जाने लगता है। लेकिन इनकी किस्मत ही खराब होता है, इनका सामना एक भयंकर रेगिस्तानी तूफान से होती है। ये देखकर प्लेन का कोपायलट कहता है हमें प्लेन को वापस घुमाना चाहिए, मगर प्लेन का पायलट कहता है हमें तूफान के अंदर से ही होकर आगे बढ़ना होगा, अगर वापस गए तो कई दिन फ्यूल के लिए रुकना पड़ेगा। अब दोनों प्लेन की स्पीड को तेज कर देते हैं, लेकिन भैंस की टंग एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है, जो कि ये था मिट्टी का कंकड़ प्लेन के इंजन में चले जाते हैं, जिससे इंजन काम करना बंद कर देते हैं, जिससे ये प्लेन डिसबैलेंस होकर नीचे की ओर तेजी से आने लगता है। तभी इनके सामने एक चट्टान आ जाता है और प्लेन का पिछवाड़ा उस चट्टान से टकरा कर टूट जाते हैं। उनमें से एक मजदूर खुद को संभाल नहीं पाता और तेजी से नीचे की ओर गिरता है और बेचारा वहीं पर मारा जाता है। प्लेन के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सभी डरे हुए थे, उन्हें अंदाजा नहीं था कि नीचे गिरने से क्या हो सकता है। वो सभी गॉड से अपनी जान की भीख मांगता है। बड़े मुश्किल से उनका प्लेन सही सलामत लैंड करता है। सभी लोग सही सलामत तो थे, मगर उनमें से दो लोगों की मौत हो गई और उन्हें बाहर लाकर क्रॉस साइन में दफना दिया जाता है। अब रात हो जाते हैं और बाहर भी तेज तूफान आया होता है। तभी टेनिस नाम के एक लड़के को सुसू आते हैं तो वो बाहर चले जाते हैं, लेकिन हवा इतनी तेज होती है कि वो फिसल कर नीचे गिर जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस रेतीले तूफान में अपनी जगह से हिले तो आप गायब हो सकते हो। इस बेचारे के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। वो अपनी प्लेन के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता और वो मारा जाता है। अगले सुबह जब सभी लोग सोकर उठते हैं तो उन्हें डेनिस कहीं दिखाई नहीं देता। सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलता। अब हम दो लोगों को देखते हैं जो बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वो अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान भी ले जाने लगता है, पर बाकी के लोग उन्हें पानी लेने के लिए मना करते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी पहले से ही कम है, लेकिन वो नहीं मानता और इसी में हाथापाई शुरू हो जाते हैं, जिससे सारा पानी नीचे गिरकर बर्बाद हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है एलियट नाम की एक लड़के की, जो कोई वर्कर्स नहीं था, वो तो बस एक टूरिस्ट था। वो घर जाने वाला था, लेकिन वो भी बिना वजह यहाँ पर फंस गया। एलियट सबको बताता है मैं जब से यहाँ पर फंसा हूँ तब से मैं इस प्लेन की हर एक पार्ट को समझ रहा हूँ। वो सबको एक आइडिया देता है, हम इस प्लेन के दूसरे इंजन से एक छोटा प्लेन बना सकते हैं और यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तभी एक आदमी कहता है तुम ऐसा कैसे करोगे। वो कहता है मैं एक प्लेन डिजाइनर था। इसकी बातों से सबके मन में एक उम्मीद जागती है। अब इनका काम शुरू हो जाता है। ये लोग दिन के समय कोई काम नहीं करते क्योंकि दिन में गर्मी ज्यादा होते हैं, लेकिन इनके साथ एक अनहोनी हो जाती है। आग जलाने के लिए जो तेल रखा था उनमें वेल्डिंग करते समय एक चिंगड़ी चली जाती है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सारा तेल जल जाता है। अगले सुबह ये सभी उदास होकर बैठ जाते हैं क्योंकि उनके पास अब सिर्फ टेक ऑफ करने के लिए ही फ्यूल बचा था, मतलब एक्स्ट्रा कोई तेल नहीं था जिससे रात को काम कर सके। अब सभी लोग दिन में काम करने के लिए फैसला करते हैं। इनका पहला काम था प्लेन के साइड विंग को काट कर ठीक करना, और ऐसा करने के लिए इनके पास कोई क्रेन भी नहीं था। वो सभी धीरे धीरे करके एक रस्सी की मदद से उसे आगे की ओर खींचने लगते हैं, लेकिन तभी वो रस्सी टूट जाती है और वो विंग सीधा वहीं जाकर टकरा जाता है जहाँ पर उसे फिट होना था। उनका एक साथी जो कि अंदर था वो विंग को अंदर से कस देता है। प्लेन के अंदर से उनका साथी बाहर आता है और सबको कहता है मैंने कर दिखाया। ये उनकी पहली सफलता थी। वो सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और धूमधाम से पार्टी करने लगते हैं। लेकिन इनकी किस्मत इतनी फूटी थी कि उसी रात एक और भयानक तूफान आ जाता है जिसमें तेजी से बिजली कड़क रही थी। ऐसे में सभी लोग तो अंदर चले जाते हैं, लेकिन एलियट प्लेन के ऊपर ही रहता है क्योंकि वो उस प्लेन को खोना नहीं चाहता, उनके ऊपर बिजली गिरने ही वाला होता है। तभी फ्रैंक उसे सही सलामत वहां से हटा लेता है। दरअसल एलियट को प्लेन के बारे में सब कुछ पता होता है, इसीलिए उसे हर कीमत में बचाना होगा। अब ये लोग प्लेन के आगे से रेत को हटाकर रनवे बनाना शुरू करते हैं, पर एलियट देखता है कि दूर जाकर एक खाई है जो उनके लिए खतरा हो सकता है। इसके बाद काम फिर से शुरू हो जाता है। इन्हें काम करते समय दूर दो मंगोलियन डाकू दिखाई देता है जो इन्हें ही देख रहे थे, लेकिन इनके पास नहीं आते क्योंकि उन्हें पता है इनके पास हथियार है। फिलहाल तो अभी वो चले जाते हैं और अब दो दिन बाद इनका प्लेन बनकर रेडी हो जाता है। प्लेन को देख सभी के अंदर खुशी का माहौल जागता है और अब सिर्फ बाकी था उड़ान भरना, जो कि बनाने से ज़्यादा मुश्किल था। तभी फ्रैंक के हाथ भूख लग जाती है जो कि एलियट का था। वो उसे देखकर प्लेन को बना रहा था। दरअसल ये बुक टॉय प्लेन को मैन्युफैक्चरिंग करने की टेक्निक को बताती है। फ्रैंक एलियट को बहुत उल्टा सीधा कहता है और ये भी कि तुमने हमें धोखा दिया। वो कहता है पिछले एक महीने सर तुमने हमें झूठी उम्मीदें देकर हमसे ये सब करवाया। एलियट यकीन के साथ सबको कहता है ये प्लेन जरूर उड़ेगा, वादा करता हूँ।
लेकिन किसी को यकीन नहीं था। एलियट को मरने ही वाला था तभी तेज हवा होना शुरू हो जाता है और हम देखते हैं वो प्लेन हिलना ढुलना शुरू हो जाता है, मतलब अब वो प्लेन उड़ने के लिए तैयार था। एलियट कहता है, देखा मैंने कहा था ना ये जरूर उड़ेगा। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन तूफान बहुत ही तेज था इसीलिए उन्हें अंदर जाना पड़ता है। अब तूफान शांत होने पर सभी बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि उनका प्लेन रेत के अंदर समा चुका है। ये देखकर सब लोग मायूस हो जाते हैं क्योंकि शायद अब ये प्लेन स्टार्ट ही ना हो। तभी फ्रैंक कहता है, हमने इतने दिनों से मेहनत करके इसे बनाया, हम इसे खोना नहीं चाहते, हमें एक साथ होकर रेत से प्लेन को बाहर निकालना होगा। और वो सभी ऐसा ही करते हैं और खींचते हुए रनवे तक ले आते हैं। अब सभी प्लेन में चढ़ जाते हैं। अब फाइनली वो पल आ जाता है जिसके लिए इन्होंने इतनी मेहनत की। फ्रैंक इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो बार बार बंद हो जा रहा था। इतने में ही वो मंगोलियन डाकू आवाज से इनके तरफ आने लगते हैं, लेकिन इस बार वो कई सारे थे। फ्रैंक बार बार कोशिश करता है, आखिरकार इंजन स्टार्ट हो भी जाता है। फ्रैंक प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन पीछे से वो डाकू उन पर हमला शुरू कर देता है, लेकिन तभी उनके सामने वो खाई आ जाते हैं और उनका प्लेन सीधा खाई में जाकर गिर जाता है। सभी डाकुओं को लगता है कि वो सब मारे गए, बल्कि ऐसा हुआ वो सभी आसमान को छूते हुए आगे बढ़ते हैं और इनके चेहरे पे एक स्माइल थी। इन्होंने वो कार दिखाया जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता, बस उनके अंदर जज्बा होना जरूरी है। और आप सभी को अपनी फैमिली के साथ देखते हैं जो बहुत ही खुशी से रह रहे हैं। और इसी के साथ ये अमेजिंग स्टोरी यहीं पर एंड हो जाते हैं।